हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू कर रहा हूं अपने बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में यह चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ये। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह समझना होगा, देखना होगा वीडियो को, और क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में भी ये है, तो ये भी वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। जैम के लिए भी अच्छा है ये, जेई के लिए भी चलेगा, मतलब ओवरऑल सब कुछ। यह वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरी बात, आपको बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों को मेरे हैंड राइटिंग का पीडीएफ नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा हर वीडियो के थर्मोडायनेमिक्स में, जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। क्या शुरू करेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, ध्यान दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स, बात समझ में आ रहा है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम दो पार्ट होता है, बीएससी में दो पार्ट दिया है, दोनों पार्ट्स को अलग अलग लेक्चर में बनाऊंगा मैं। एक को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पहले पढ़ेंगे तभी सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड में फर्स्ट का कोरिलेशन बहुत आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर ये किस किस क्लास के लिए, ध्यान दीजिए। पहले मैं लिख दूं, नहीं तो कई तो पूछते सर ये बीएससी सेकेंड ईयर ट्वेल्थ जैम के लिए भी मैं डिटेल जाऊंगा, जेई और नेट। ठीक है, इनके लिए है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अंदर जाना है हम लोगों को, इसमें पूरा डिटेल ही पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चलेगा, जब सेकंड आएगा मैं सेकंड बोलूँगा। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में ही कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेंगे, लंबा टॉपिक है, उसी तरह उसमें भी इतना बनेंगे। ठीक है, आते हैं, फर्स्ट स्टार्ट होगा। पहले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझो, एकदम बेसिक। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो मतलब क्या होता है बेटा? थर्मो मतलब क्या होगा? हीट होगा। डायनेमिक मतलब क्या होगा? मोशन। डायनेमिक मतलब क्या होगा? मोशन। तो अगर इसको तोड़कर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में हीट का मोशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और हीट मतलब यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे? एनर्जी। क्या कंसीडर हम यहां कर रहे हैं? एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स, क्या डील्स करता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। क्लियर हो रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं? एनर्जी का ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब मूवमेंट ही ना होगा यार, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। वह किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है? दिस ब्रांच इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। दिस ब्रांच इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर हो रहा है? और थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर हो रहा है? आइए, नोट्स आपको मिलेगा, नोट्स आपको देख बनाना भी पड़ेगा। ये नोट्स आप बनाते रहोगे, रफली वाला ना समझ में आएगा, और फिर जो नोट्स मिला उसमें जब कोरिलेट करोगे तो बढ़िया समझ में आपको आएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और बाहर मत निकलिए इस समय। जो चैप्टर पढ़ना हमसे फोन करके पर्सनली कहिए, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन बाहर कहीं निकलिए मत, सिर्फ पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं इसमें है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब यहां पे बेसिक टर्म उपयोग करेंगे हम लोग, बेसिक टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। अब बेसिक टर्म मतलब होगा क्या, समझो थोड़ा सा। देखो, पूरे यूनिवर्स को थर्मोडायनेमिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के आधार पर या साइंस के आधार पर हम बोल सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को हम तीन पार्ट में ही क्लासिफाई किए हैं, थ्री पार्ट्स में। ठीक है,
पूरे यूनिवर्स को, क्या क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है, यह डेफिनेशन पूछा जाता है बीएससी में। पहला क्या है, सिस्टम, दूसरा क्या है, सराउंडिंग, और तीसरा क्या है, बाउंड्री, ठीक है। पूरे यूनिवर्स को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज सिस्टम, सेकेंड वन इज सराउंडिंग, बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे लेकिन स्टार्टिंग हमको बेस से ही करना होगा, और थर्ड वन इज बाउंड्री, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री में, ठीक है। इसको ट्वेल्थ के बच्चे भी देखेंगे, इनको जेई वही देना होगा, ठीक है, बोर्ड तो होगा ही होगा, बोर्ड बहुत टिपिकल चीज़ नहीं, बोर्ड बहुत आसान है, जेई नेट कठिन है, तो प्लीज़ वो बच्चे भी देखें जिनको आगे भविष्य में कुछ करना है। बोर्ड वाले ये नहीं देखेंगे, वो बोर्ड का बहुत वीडियो बना दिया हूँ, हल्का फुल्का पढ़ के खा पी के सो जाएंगे, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है, तो ब्रह्मांड का वह स्थान, एकदम देहाती भाषा में समझिए, ब्रह्मांड का वह स्थान जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम स्टडी करते हों, या हम कोई भी कार्य करते हों, या हम कुछ भी करते हों, वह चीज़ क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सिस्टम को छोड़कर रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, रेस्ट जो बचा हुआ यूनिवर्स का जो प्लेस होगा, जो बचा हुआ यूनिवर्स का प्लेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। क्लियर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या होगा, वह रियल और इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता हो, अलग करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। क्लियर हो रहा है। तो यूनिवर्स का वह प्लेस या वह स्थान जहां पर हम कोई भी फंक्शन, कोई भी स्टडी करते हो, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। जैसे फिगर समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है पढ़ने में। जैसे मान लो यह क्या हो गया, सिस्टम हो गया, यह क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, और यह मान लीजिए इमेजिनरी या रियल लाइन है, या रियल जो भी हो, जो क्या करता हो, उनको अलग करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, सिस्टम में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी काम करते हो, उसके लिए एनर्जी और मैटर का जो आदान प्रदान करते हैं, वह किससे करते हैं, सराउंडिंग से करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यह तीन चीज हो गया, फर्स्ट वन इज सिस्टम, सेकेंड वन इज सराउंडिंग, एंड थर्ड वन इज बाउंड्री, ठीक है। अब देखो, सिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, सब नोट्स में लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम आर क्लासिफाइड, सॉरी थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक को बोलेंगे ओपन सिस्टम, यह पक्का परिभाषा गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। पूरे सिस्टम को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फिगर से मैं समझा रहा हूं, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, जिससे सबका हेल्प हो सके, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत समस्याएं आ रही हैं और काफ़ी डेंजरस कोरोना रूप ले लिया है, तो प्लीज़ बाहर ना निकलिए, ठीक है। पहला यही समझा रहा हूँ, दूसरा और तीसरा, जैसे मान लो यह सिस्टम हो गया, यह इसका सराउंडिंग हो गया, यह सिस्टम हो गया, यह इसका सराउंडिंग हो गया, और यह सिस्टम हो गया, यह इसका सराउंडिंग हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, सराउंडिंग, यह क्या हो गया,
सिस्टम। यह क्या हो गया सराउंडिंग, यह क्या हो गया सिस्टम, यह क्या हो गया सराउंडिंग, यह क्या हो गया सिस्टम। ठीक है, तो देखो वह सिस्टम जिसमें एनर्जी, ई फॉर एनर्जी एम फॉर मैटर, वह सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो, समझ में आ रहा है, वह सिस्टम जिसमें ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान हो, मतलब एनर्जी बाहर भी जाए अंदर भी आए, मैटर बाहर भी जाए अंदर भी जाए, किससे, सिस्टम और सराउंडिंग से, उस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्लियर हो रहा है। दूसरा हो मतलब दोनों का ट्रांसफर हो, एनर्जी और मैटर। वह सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का आदान प्रदान हो, किससे, मैटर सॉरी सराउंडिंग से, लेकिन मैटर का आदान प्रदान एक्सचेंज न हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। और तीसरा क्या होगा, वह सिस्टम जिसमें न एनर्जी न मैटर का आदान प्रदान किसी का एक्सचेंज न हो, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो एनर्जी और मैटर के आदान प्रदान के आधार पर सिस्टम को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो, सिस्टम सराउंडिंग और सिस्टम से, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज न हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज न हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। समझो थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर पानी लो, यहां से नीचे से इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब पानी क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा, तो यह वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो पानी क्या होगा, कम होता जाएगा, तो यह क्या हो गया, मैटर हो गया। और यह बर्तन से हीट बाहर निकलेगा, यह क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, ओपन सिस्टम का। ठीक है, यहां पर आइए, बर्तन बंद है, पानी को आप हीट कर रहे हो, पानी का वाष्प बन के कहीं बाहर नहीं जा पाएगा, केवल बर्तन से क्या बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, तो यह क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। क्लियर हो रहा है, बोलो, क्लोज सिस्टम। क्लियर हो गया। और ये देखो, ये जो मिल्टन का थर्मस वर्मस हमारे घर पे है ना, आप लोग घर में उपयोग करते होंगे, चाय सुबह बनाते हैं शाम तक चलती है, क्योंकि उसमें एडियाबैटिक होता, क्यूज इक्वल टू जीरो होगा, मैं नाम लूँ बाद में इसको समझाऊंगा। तो जिसमें न आप यहाँ चाय गर्म करके पूरा चाय छान के रख लियो, गर्म पानी रख लियो, सुबह रख लियो, शाम तक पूरा गर्म रहेगा। अगर मतलब एनर्जी मतलब हीट बाहर नहीं निकल रही, मैटर भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो जितने भी हमारे थर्मो फ्लास्क जो थर्मस होते हैं वह सब क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यह बेटा सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया तीन पार्ट में, सिस्टम सॉरी ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, अब अगला जो इसमें टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, एवं मार्कर विंग डालने, वो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिठा दूसरा जो टॉपिक इसमें है, अच्छा मार्कर नहीं पॉकेट में था, मैं वहां खोज रहा था। अगली जो हेडिंग हम लगाएंगे बेटा, थर्मो डायनेमिक्स फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो एक लाइन का डेफिनेशन है, चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज फंक्शंस है ना, आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स
फंक्शन। किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जो भी चेंज होता है, अभी समझ में आएगा, किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जो भी चेंज हो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है बेटा, अब समझो थोड़ा सा। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, यही समझ में आएगा आपको। थर्मो डायनेमिक्स फंक्शन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, पक्का ये सब एग्जाम में आएगा। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक क्या होता है स्टेट फंक्शन, और एक क्या होता है पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स दो के फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होगा स्टेट फंक्शन, फर्स्ट वन इज स्टेट फंक्शन एंड सेकेंड वन इज पाथ फंक्शन। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देना, किस कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी या दोज फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अभी समझा रहा हूं मैं, जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं। तो वह थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे केवल डिपेंड करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। एंड दोज फंक्शन विच डिपेंड अपॉन ओनली पाथ, रास्ते पर, ओनली पाथ, आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, तो दो प्रकार का हो रहा है बेटा, एक हो रहा है स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या हो रहा है, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो वह थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो इनिशियल और दो ही स्टेट होता है, एक प्रारंभिक अवस्था एक अंतिम अवस्था, जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था उस पर डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, और जो केवल पाथ पर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इंटरनल एनर्जी सब बताऊंगा क्या होगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी बहुत से आते हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, और यहां पर केवल दो हैं, वर्क और हीट, वो क्या कहलाएंगे, पाथ फंक्शन। अब समझो क्या मतलब इसका है, कपड़ा ले लूं मैं, कि क्या स्टेट फंक्शन क्या मतलब है, कैसे प्रारंभिक अवस्था, कैसे इनिशियल अवस्था, क्या थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं, दो एग्जांपल मैं लूंगा, शायद आप लोग को समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे समझो, यह हम मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और यह मान लीजिए यह 20 फीट का टीला या पहाड़ है, जो समझो टीला या पहाड़ है, समझिएगा। यहां पर मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा 20 फीट इसकी ऊंचाई है। यहां पे मान लीजिए कोई खलीफा टाइप व्यक्ति है, खलीफा समझ रहे हो ना। अब ये खलीफा पृथ्वी पे है, तो पूछा जाए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस खलीफा का क्या होगा, तो यम जी एच होता है, यहां पे हाइट क्या है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हुआ, जीरो हुआ। ये तो समझ में आ रहा ना भाई, फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स अच्छा नौ का, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हाइट क्या है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। कहाँ पर, जब यह नीचे है, मतलब यहाँ पर यह क्या है, इनिशियल स्टेट पर है। ठीक है, अब इस खलीफा टाइप आदमी को हमको यहाँ पहुँचाना है, टॉप ऑफ द मोस्ट, तो हमने क्या किया, इस खलीफा टाइप आदमी को तेजी से धक्का दिया, खूब फोर्स लगा के खट से यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यम जी एच, यहाँ पर हाइट की वैल्यू 20 फीट है, तो मतलब इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
फाइनल स्टेट हो गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, ठीक है। एक पाथ यह हो गया इस रास्ते से। दूसरा पाथ क्या है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है, कार से जा रहा है, पैदल जा रहा घूम घूम कर, ठीक है। तो यह हो गया पाथ सेकंड। तो एक रास्ते से खट से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और पाथ सेकंड से यह घूम घूम के जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है, बोलो। तो चाहे पाथ वन से गया हो, चाहे पाथ टू से गया हो, दोनों रास्ते पे जाने के बाद जो फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, वहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। अरे यार, उसका इनिशियल स्टेट पे जीरो था, अब हमको यहाँ टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना था, तो हमको दो रास्ते मिले, एक यहाँ सट से यहाँ गया, तो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, मान लीजिए कुछ आ गया, कुछ 20 जूल आ गया, इस रास्ते जाएगा यहाँ पर तो भी 20 जूल ना आएगा यार। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, और किस इनिशियल पर, किस पे, फाइनल स्टेट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब देखो, इस रास्ते गया तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ, कम करना पड़ा। इस रास्ते गया तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ, ज़्यादा करना पड़ा। तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ कम करना पड़ा, इस वाले में ज़्यादा करना पड़ा, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, पाथ फंक्शन। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, और वर्क पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करे, ठीक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, देखो एक होता है SN1 होता है, एक क्या होता है SN2 रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, Br प्लस OH माइनस। SN1 में क्या होता है, टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। होता क्या है, पहले Br माइनस निकलेगा, तो Br माइनस निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, इस कार्बोकेटाइन पर यह OH माइनस क्या होगा, अटैक करेगा, तब जाके यह प्रोडक्ट बनेगा, यही ना होता था। तो एक स्टेप हो गया यह Br माइनस का निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना, और दूसरा स्टेप है OH का अटैक करना, ठीक है। SN2 में क्या होता है, Br का निकलना और OH का अटैक करना दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ध्यान दीजिए। अरे यार, SN1 क्या होता है, टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, क्योंकि इस पे जो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पर, और इस पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, मैं वो नहीं बताने वाला, पढ़ा चुका हूं अभी टेल। तो यहाँ पे Br माइनस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तब OH माइनस अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे Br माइनस निकलना, OH का अटैक करना, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अब यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी मान लीजिए 100 किलो जूल है, और प्रोडक्ट की यहाँ पर कितनी है, 70 किलो जूल, और SN2 को सेम रिएक्शन हम करा रहे थे, यहाँ पर कितना है 100 किलो जूल, यहाँ पर भी कितना है 70 किलो जूल, ठीक है। अब ध्यान दो, SN1 के लिए ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, यह रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई 100 किलो जूल, और यहाँ पर कितना हो गया 70 किलो जूल। यहाँ पे देखो दो स्टेप हो रहा है, एक पाथ वन कार्बोकेटाइन बना, एक पाथ टू कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है। और यहाँ पर देखो SN2 का, देखो यहाँ पर भी 100 किलो जूल, लेकिन एक ही पाथ में हो जा रहा है, यहाँ पे 70, तो जो डिफरेंस आ रहा है 100 और 30 किलो जूल, यहाँ पर भी कितना आया 30, यहाँ पर भी कितना आया 30 किलो जूल। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे हैं, चाहे हम SN1 चाहे SN2 से करा रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस वह 30 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 70, यहाँ पर भी 100, यहाँ पे 70, भले ये दो पाथ में हो रहा है, पाथ पे डिपेंड यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस नहीं ले रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ एनर्जी क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है, वो कितने पाथ से गया डजंट मैटर, मेरी बात समझ में आ रहा। तो वह फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, दिस इज नोन एज स्टेट फंक्शन, एंड दोज फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ इज नोन एज पाथ फंक्शन, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो अब अगले दिन, ठीक है। आप प्लीज इसको शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।